23,000 की मार्केट चल रही है, बिल्कुल सिर्फ 15,000 रुपए में मैं दूंगा ये लैपटॉप। i3 का 10th जनरेशन विद 8GB रैम विद 256GB NVMe SSD 2023 मॉडल विद 2GB डेडिकेटेड ग्राफिक्स 8GB रैम 256GB SSD प्राइस सिर्फ और सिर्फ 18,000 रुपए। और गिफ्ट की भी भरमार है भाई, गिफ्ट की दिखाओ। ये चेक मारो 6 जनरेशन विद 8GB रैम 256GB स्टोरेज सिर्फ और सिर्फ 13,500 रुपए। स्टोरेज विंडोज लाइसेंस के साथ प्राइसिंग सिर्फ और सिर्फ 13,000 रुपए। सिर्फ और सिर्फ 8GB रैम 256GB स्टोरेज के साथ प्राइस सिर्फ और सिर्फ 16,000 रुपए। वीडियो ग्राफिक्स के साथ i5 का 5th जनरेशन 8GB रैम 256GB SSD सिर्फ और सिर्फ 14,500 रुपए। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप लोग? तो आज हम लोग आ चुके हैं, जैसा कि आपको दिख ही रहा है मेरे पीछे भाई, आज हम लोग आ चुके हैं दोबारा से लैपटॉप नेशन पे। अमन भाई के पास आ रहे हैं। अमन भाई कहाँ हैं? अमन भाई कुर्सी पे होंगे। अमन भाई भाई बगल वाली शॉप पे। अबे यार वो वहाँ पड़े हैं, यहाँ पे हमने सेटअप वेटअप कर लिया यार। अमन भाई यहाँ क्या कर रहे हो यार? दो दो दुकान होने का फायदा उठा रहे हो, वहाँ सेटअप करवा दे आप यहाँ। हाँ यार थोड़ा इधर आ गया था काम से। अच्छा तो हो गया काम? हो गया। चले फिर कहाँ चले? शॉप पे यार, बता रही है जनता परेशान है यार, कह रही है अमन भाई ऑफर नहीं ला रहे, डील नहीं ला रहे, दिख नहीं रहे, कहाँ गया है यार? डील तो इतनी सारी है ना कि आप डील देख देख के परेशान हो जाओगे, लेकिन डील खत्म नहीं होगी। अच्छा ऐसा क्या? हाँ भाई मेरा काम ही ऐसा है यार, लोगों के लिए इतने अच्छे अच्छे डील्स लेकर के आता हूँ, कपल्स के लिए वैलेंटाइन ऑफर लेकर के आता हूँ, अरे वाह, आर्मी वालों के लिए स्पेशल डिस्काउंट लेकर के आता हूँ, तो बस क्या ही बोलूं, इतना सारा डील्स लेकर के आता हूं मैं आप सभी के लिए कि भाई मैं खुद हैरान हूं कि मैं इतने डील्स निकालता कहां से ये सब दिल से आती है, दिल से। और मैं सच में सोच रहा हूं भाई मैं कमा रहा हूं इन्हें कुछ, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। इन्वेस्ट तो कर रहा हूं मैं, इससे सेविंग्स हो रही है कि नहीं? इन्वेस्ट तो कर रहा हूं, सेविंग्स हो रही है कि नहीं, कमा रहा हूं कि नहीं, बंदों की सैलरी निकल जा रही है, चलो खुश है सैलरी निकल जा रही है, मेरे पास क्या आ रहा है मैं ये सोच रहा हूं। क्या बात है, मतलब कुछ बच नहीं रहा इस टाइम है? अरे छोड़ दे, अरे बच रहा है ना लोगों का प्यार। हाँ यही तो चाहिए, यही तो चाहिए, बिल्कुल बिल्कुल। और भाई खर्चा चलाने वाला, रिस्क देने वाला ऊपर वाला होता है, बिल्कुल। इतने सारे लैपटॉप्स आप लोगों के लिए, हर जगह कोने कोने में लैपटॉप भरे हैं, वो भी भाई ऐसे, मतलब आलतू फालतू लैपटॉप नहीं, कोई भी लैपटॉप उठा लो, नहीं अच्छे अच्छे लैपटॉप, ये लो जी लेटेस्ट जनरेशन के, एकदम लेटेस्ट मॉडल देख सकते हो। तो भाई कंडीशन भी वैसे ही रहने वाली है, प्राइसिंग भी वैसे ही रहने वाली है। और रही बात हमारी शॉप की लोकेलिटी की, तो बेसिकली हमारे स्टोर का नाम क्या है बताओ? लैपटॉप नेशन। और हम कहाँ लोकेट करते हैं? नेहरू प्लेस सत्यम सिनेमा के पीछे, बिल्कुल। तो कि हमारा एड्रेस कहाँ है जल्दी आओ, आ जाओ। लोग जो है परेशान रहते हैं, एड्रेस कहाँ है, एड्रेस कहाँ है भाई? देखो पहले ये देखो हमारा एड्रेस का, ये देखो ये है सत्यम सिनेमा, ठीक है? अब सत्यम सिनेमा में कहाँ पे है ये? बेसिकली ये नेहरू प्लेस है, ये पूरा नेहरू प्लेस है। okay. और ये सत्यम सिनेमा का बैक साइड है, जहाँ okay. पे ऊपर इसी एडवर्टाइजमेंट स्क्रीन देख रहे हो ना, ये सत्यम सिनेमा का बैक साइड है। okay. और ये पड़ता कहाँ पे है? ये पड़ता है नेहरू प्लेस मेट्रो स्टेशन। नेहरू प्लेस मेट्रो स्टेशन अगर आप उतर रहे हो, उसके जस्ट अपोजिट में आपको मैकडॉनल्ड दिखेगा, मैकडी, जिसको बेसिकली सत्यम सिनेमा बोला जाता है। उसके पीछे आ जाओ बैक साइड में, वहाँ पे आपको ये एडवर्टाइजमेंट स्क्रीन दिखेगी, बेसिकली सत्यम सिनेमा का बैक साइड है। अब ये बैक साइड है इसके, यहाँ पे देखो एक कोटक महिंद्रा बैंक है, ठीक है? okay. कोटक महिंद्रा बैंक के जस्ट अपोजिट में देखोगे फर्स्ट फ्लोर पे लैपटॉप नेशन नाम से स्टोर है। तो भाई प्लीज वीडियो देख करके आ जाया करो, एड्रेस क्योंकि समझाना बहुत हेक्टिक प्रोसेस हो जाता है, समझा दूंगा आप नहीं समझ में आएगा तो, लेकिन बस ध्यान रखना नेहरू प्लेस मेट्रो स्टेशन के सामने मैकडी वाले बिल्डिंग के पीछे कोटक महिंद्रा बैंक के जस्ट अपोजिट फर्स्ट फ्लोर कॉर्नर वाले स्टोर विद द नेम ऑफ लैपटॉप नेशन। बाकी बात करें हमारे लैपटॉप्स की, तो लैपटॉप्स ऐसे ऐसे लैपटॉप्स कि आप सभी हैरान हो जाओगे इतने अच्छे लैपटॉप अन भाई ला कहां से रहे हैं। तो बेसिकली हाँ एक और इन्फॉर्मेटिव, हमारे मैकबुक्स आने वाले हैं, मैकबुक्स और वो भी बहुत ही ढेर सारे SKUs। क्या बात है, बहुत सारे मैकबुक आने वाले अलग अलग मॉडल के, 15,000 से मैकबुक स्टार्ट करने वाला हूँ, जो मार्केट में 50,000 के बिक रहे हैं वो मेरे पास 35,000 रुपए मिल जाएंगे। 35 में अभी तक का लैपटॉप की मार्केट मिला के रखा हूँ विंडोज वाली, बिल्कुल, अब बिल्कुल। एप्पल की मार्केट क्रैश कर दूंगा मैं। चाहिए ट्रेलर था, तो ट्रेलर पूरी मूवी बाकी है, तो सबर रखो, सबर रखो। आईफोन्स एप्पल के SKUs ऐसी ऐसी चीज ना, एक टाइम पे आप एप्पल विजन प्रो लॉन्च हुआ है ना, कितने का चल रहा है? 3 लाख का होगा अराउंड इंडियन मार्केट में। एक टाइम ऐसा आएगा जब मैं वही चीज
70,000 रुपए में दे रहा हूँ भाई साहब। एंड तो मेरा जो है ना, मेरा विजन एकदम अलग है। अगर आप मुझे सपोर्ट करना चाहते हो तो लैपटॉप नेशन के चैनल पे जाकर के उस चैनल को सब्सक्राइब करो और भाई के चैनल को भी सब्सक्राइब करो, क्योंकि इनकी वजह से ही आप आज मेरे तक पहुंचे हो या हमारे तक पहुंचे हो। बिल्कुल। तो जल्दी से बात करते हैं लैपटॉप के बारे में। लैपटॉप आज एकदम लेटेस्ट एसक्यू होने वाले हैं, एकदम बढ़िया बढ़िया। अब ये देखो, दैट इज HP का एकदम स्लिमेस्ट पीस, 14 इंचेस, i3 का 10th जनरेशन, विद 8GB रैम, विद 256GB NVMe SSD, विंडोज 10 लाइसेंस, एकदम बढ़िया कंडीशन में। नया लैपटॉप 38,000 ऑनवर्ड है। मेरे पास ये लैपटॉप सिर्फ और सिर्फ आपको 18,500 रुपए में, सिर्फ 18,500 रुपए में। ऐसे ही अगर मैं बात करूं एक और डेल का i3 का 10th जनरेशन, देखो कंडीशन मिंट रहने वाली है, ऑपरेशनल यूनिट्स एकदम बढ़िया रहने वाली है, बैटरी बैकअप 1.5 घंटे के ऊपर रहने वाला है। आप कहीं से भी आ रहे हो, सर्विस की रिस्पांसिबिलिटी हमारी है, 1 महीने की एक्सचेंज पॉलिसी है, 1 महीने की वारंटी है, 1 महीने की गारंटी है और गिफ्ट्स के साथ है भाई। ओरिजिनल चार्जर, ओरिजिनल बैटरी वैटरी सब कुछ लगी रहती है हमारे, कोई भी कंपोनेंट चेंज नहीं होते, ना कि बॉडी जैसे मार्केट में बिकता है इंपोर्ट वाला बॉडी चेंज करके नया दे रहे हैं, हमारा वैसा काम नहीं है। तो बेसिकली ये लैपटॉप है, ये भी एक डेल की सीरीज है, i3 का 10 जनरेशन विद 8GB रैम, 256GB SSD के साथ आता है, विंडोज 10 लाइसेंस। ये भी लैपटॉप 18,500 रुपए का भाई। i3 10th जनरेशन दे रहा हूं मैं, 10th जनरेशन यहाँ पे लेटेस्ट लैपटॉप लेकर के आया हूं मैं, दैट इज Ryzen 3 डेल का लैपटॉप, 2023 मॉडल, विद 2GB डेडिकेटेड ग्राफिक्स, 8GB रैम, 256GB SSD, प्राइस सिर्फ और सिर्फ 18,000 रुपए। ग्राफिक कार्ड वाला लैपटॉप, एडिटिंग वाला लैपटॉप है ना, कोडिंग, बेसिकली कोडिंग जो लोग करते हैं उनको ये ज्यादा लैपटॉप यूज में आता है। तो अगर आप एक स्टूडेंट हो, आप कोडिंग करते हो, तो लैपटॉप नेशन चले हो, ऐसे ऐसे लैपटॉप मिलेंगे ना कि आप सच में ले जाकर के सेटिस्फाई रहोगे और दूसरी बार अपने दोस्तों को भी रेफरेंस दोगे अमन भाई का। ये बोलने की जरूरत नहीं है यार, वो खुद बोल रहे होंगे यार वहाँ चल रहे हैं वाले शॉप पे। कमेंट करो और कमेंट करके जरूर बताना जो लोग आ चुके हैं, हमारा स्टोर कैसा है, हमारे यहाँ पे एनवायरमेंट कैसा है और हम कैसे लैपटॉप प्राइस करते हैं। और सबसे मेन चीज, सर्विस बेचने के लिए तो बहुत बैठे हैं लेकिन प्यार से बेचने वाले कम मिलेंगे। बिल्कुल सही बात। तो ये जो लैपटॉप है ये 18,000 मिल जाएगा, ठीक है। और मैकबुक की मैं बात करूं, देखो यार मैकबुक इतने बढ़िया बढ़िया आ रही है ना, मैकबुक एयर, ये पतला कितना है, 15 इंचेस, ठीक है, i5 प्रोसेसर, 4GB रैम और 128GB SSD के साथ, कितने का, 15,000 रुपए। ये लो जी, 15,000 रुपए, 23,000 की मार्केट चल रही है, बिल्कुल सिर्फ 15,000 रुपए में मैं दूंगा ये लैपटॉप, ऑल ओके ऑल वर्किंग में भाई 15,000। ओरिजिनल चार्जर विथ बैग, विथ ओरिजिनल चार्जर, विथ कीबोर्ड, विथ माउस, विथ क्लीनिंग किट, भाई पांच गिफ्ट। अगर आप कीबोर्ड और माउस नहीं लेते हो तो उसके जगह आपको अल्ट्रा वॉच मिल जाएगी। क्या बात है, मतलब ये दोनों चीजें नहीं लेते हो, अल्ट्रा वॉच मिल जाएगी भाई, एज पर योर यूज। अगर आपको कीबोर्ड माउस का काम नहीं आता है तो हाथों में शो ऑफ करने के लिए वॉच ले लो मेरे से, क्या बात, जो कि आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलनी है। तो भाई गिफ्ट ज्यादा इसमें हाईलाइट नहीं करूंगा मैं बता दे रहा हूँ आपको, तो ले लेना। और भाई ये मैकबुक सिर्फ और सिर्फ 15,000 रुपए में, 15,000 रुपए में। और अब बात करते हैं थोड़े सस्ते और मेरे प्यारे प्यारे भाई लोगों के लिए लैपटॉप के बारे में। ये लैपटॉप है HP का 6th जनरेशन विद 8GB RAM, 256GB स्टोरेज, सिर्फ और सिर्फ 13,500 रुपए। ये लो जी, 13,500 में, 13,500 रुपीज में एकदम नया लैपटॉप भाई, क्या बात है। इसके बाद बात करते हैं HP की एक और नई और लेटेस्ट सीरीज, कंडीशन देखो, अनटच कंडीशन और 8GB RAM, 256GB स्टोरेज, विंडोज लाइसेंस के साथ, प्राइसिंग सिर्फ और सिर्फ 13,000 रुपए, सिर्फ और सिर्फ 13,000 रुपए भाई। ये तो अकाउंटेंट i3 का 7th जनरेशन लैपटॉप है, 7th जनरेशन है और इसे तो अकाउंटेंट ही लूट लेंगे। हाँ भाई, अगर i5 लैपटॉप ढूंढ रहे हो, HP का ये है i5 लैपटॉप विद 8GB रैम, 256GB स्टोरेज के साथ, कितना, 14,000 रुपए, 14,000 रुपए i5 का भाई, 14,000 रुपए से स्टार्ट है। ये लो जी, कंडीशन देखो, कंडीशन कैसी है, लैपटॉप कंडीशन का खेल है और देखते जाओ, मजा आने वाली है। ये जो अगला, ये है डेल का A9 सीरीज, कंडीशन देखो एकदम नई, क्या बात है, विद 8GB रैम, 256GB स्टोरेज, विंडोज लाइसेंस के साथ। लैपटॉप की प्राइसिंग की अगर मैं बात करूँ, सिर्फ और सिर्फ 14,500 रुपए, जस्ट फॉर 14,500 रुपीज, 2022 मॉडल, एकदम लेटेस्ट यूनिट। फिर बात करते हैं एक लैपटॉप जो कि है i5 का 8th जनरेशन विद 8GB रैम, 256GB स्टोरेज के साथ, प्राइस सिर्फ और सिर्फ 16,000 रुपए, i5 का 8th जनरेशन जस्ट फॉर 16,000 रुपए, क्या बात है। एक और लैपटॉप है जो कि है Lenovo का i5 सीरीज का 6th जनरेशन विद 8GB रैम, 256GB SSD के साथ,
प्राइसिंग सिर्फ और सिर्फ 15,500 रुपए। ये लो जी 15,500 क्या होता है, i5 लैपटॉप 15,500, i5 लैपटॉप 15,500। ये देखो एक और लैपटॉप जो कि i3 का 6th जनरेशन विद 8GB RAM 256GB SSD, सिर्फ और सिर्फ आपको दे दूंगा 13,000 रुपए में, जो कि वो सेम था वही वाला ये भी लैपटॉप। क्या बात है, 13,000। इसके बाद एक और लैपटॉप वही पड़ा है i3 का 7th जनरेशन, 13,000 रुपए में ये भी दे दूंगा i3 का 7th जनरेशन। मल्टीपल लुक देखो भाई, लुक कंडीशन देखो, सारे लैपटॉप का 1.5 घंटा बैटरी बैकअप है, ओरिजिनल चार्जर, 5 गिफ्ट। क्या बात है, कोयले की खान से निकले हुए हैं सारे। अरे भाई कोयले के खान से नहीं, हीरे की खान से निकले हुए कोयले की। Ryzen 5 Acer का With 8GB RAM, 256GB SSD, एकदम क्यूट SKU। लैपटॉप की प्राइसिंग की बात करूं सिर्फ और सिर्फ 16,500 रुपीज। ये लो जी, ये लैपटॉप कहीं नहीं मिलने हैं आपको, एक्सक्लूसिवली आपको मिलेगा कहां, लैपटॉप नेशन में। इसके बाद बात करते हैं इंटेल का कोर i5, इतना बढ़िया पीस, ठीक है, विद 8GB रैम, 256GB स्टोरेज, सिर्फ और सिर्फ 15,000 रुपए। सिर्फ 15,000? सिर्फ 15,000। अरे भैंस की टांग। AMD की सीरीज 4GB RAM, 128GB SSD के साथ, एकदम बढ़िया लुक। वर्क फ्रॉम होम करना है, पढ़ाई करनी है, सब कुछ हो जाएगा। कितना? और मेरे भाइयों के लिए ये प्राइस रखा है मैंने सिर्फ 11,500 रुपए। 11,500 रुपए सिर्फ और सिर्फ 11,500। ले लो जी। एंड एंड i5 प्रोसेसर विद NVIDIA ग्राफिक कार्ड के साथ, विद 8GB RAM, 256GB SSD के साथ, थोड़ी मिंट कंडीशन है, प्राइस भी अग्रेसिव रहेगा, सिर्फ और सिर्फ 14,000 रुपए। i5 प्रोसेसर विद NVIDIA ग्राफिक, 14,000 रुपए का लैपटॉप। क्या बात है भाई, क्या बात है। इसके बाद बात करते हैं एक डेल का, इतनी प्यारी कंडीशन में लैपटॉप, देखो यार साफ ऑफ करके एकदम हीरोइन बना दूंगा इस लैपटॉप को। डेंट पेंट करे। अरे भाई 8GB RAM, 256GB स्टोरेज के साथ, स्क्रैच गार्ड अभी तक का लगा हुआ है, i3 प्रोसेसर 7th जनरेशन, 14,000 रुपए। ये लो जी 14,000 रुपए में। भाई हमारे जो SKU है ना, जहाँ से लोग लैपटॉप स्टार्ट करते हैं ना, वहाँ पे हमारे टॉप एंड मॉडल की लैपटॉप की प्राइस खत्म होती है। Pentium सीरीज HP की कंडीशन देखो, एकदम लल्लन टॉप, लॉलीपॉप, अनटच्ड, 4GB RAM, 128GB SSD, प्राइसिंग सिर्फ और सिर्फ 11,500 रुपए। 11,500 रुपए, 11,500 रुपए का लैपटॉप। क्या बात है जी, ऐसे लैपटॉप कहीं नहीं मिलने हैं, सिर्फ और सिर्फ लैपटॉप नेशन में। और अगर आ रहे हो भाई नेहरू प्लेस में तो लैपटॉप नेशन नहीं आ रहे हो तो क्या खास नेहरू प्लेस आ रहे हो, क्या असली सोना और हीरा तो इधर मिलता है। क्या बात है, ये देखो i3 का 7th जनरेशन विद 8GB RAM, 256GB स्टोरेज, लैपटॉप की प्राइस सिर्फ और सिर्फ 13,000 रुपए। 13,000 रुपए, सिर्फ और सिर्फ 13,000 रुपए। क्या बात है। HP का i3 लैपटॉप विद 4GB RAM, 128GB SSD, 14 इंचेस का, सिर्फ और सिर्फ 11,000 रुपए। ये लो जी, बुलबुल का बच्चा 11 में ले जाओ। ये देखो i5 का 5th जनरेशन With Radeon Graphics के साथ, Radeon Graphics के साथ, yes, i5 का 5th generation, 8GB RAM, 256GB SSD, सिर्फ और सिर्फ 14,500 रुपए। 14,500 में, 14,500 रुपए। ऐसे ही बहुत सारे हमारे पास SKU पड़े हुए हैं, जैसे कि Asus का ये i7 लैपटॉप, सिर्फ और सिर्फ आपको ये लैपटॉप दे दूंगा मैं 12,000 रुपए में। 12,000 रुपए का ये वाला लैपटॉप, ये वाला 12,000 रुपए में। वही अगर और सस्ता लैपटॉप चाहिए, कीबोर्ड चेंज हो जाएगा, देखो ट्रांसपेरेंसी रखता हूँ मैं, कीबोर्ड नया डाल करके दूंगा और विद 1 मंथ गारंटी के साथ दूंगा, प्राइसिंग सिर्फ और सिर्फ 8,000 रुपए। 8,000 रुपए डेल का ये वाला लैपटॉप देखो, ये भी आपको सिर्फ दे दूंगा 8,000 रुपयों में। ये लो जी भाई, सिर्फ और सिर्फ 8,000। सब आपके सामने ही, ये नहीं कि साफ सुथरे करके लगा रहे हैं, आपके सामने ही साफ करूंगा, आपके सामने ही दूंगा, आपके सामने ही सारे लैपटॉप रेडी किया जाएगा। i5 6th जनरेशन, 8GB RAM, 256GB SSD, सिर्फ और सिर्फ 12,000 रुपए। ये लो जी 12,000 रुपए में ले जाओ। आना कहाँ पे पड़ेगा? नेहरू प्लेस, लैपटॉप नेशन, सत्यम सिनेमा के पीछे, कोटक महिंद्रा बैंक के सामने, फर्स्ट फ्लोर पे कॉर्नर शॉप आपको दिख जाएगी। क्या बात है। अगला पेंटियम सीरीज एसर की 4GB RAM, 128GB SSD, मात्र 8,500 रुपए। 8,500 रुपए, मात्र 8,500 रुपए। एंड चीज है भाई कदम से वाली तो। i3 लैपटॉप 4GB RAM, सिर्फ और सिर्फ 11,000 रुपए। लैपटॉप की भाई तो खजाने भाई के पास। सोनी का लैपटॉप सिर्फ और सिर्फ 8,500 रुपए, i3 प्रोसेसर के साथ आता है। i3 प्रोसेसर के साथ, यस भाई। लेनोवो का थिंक पैड लैपटॉप i5 प्रोसेसर साथ 12,000 रुपए। 12,000। ऐसे ऐसे लैपटॉप है मेरे पास, आप देखोगे और परेशान हो जाओगे। ये देखो टच स्क्रीन,
i5 प्रोसेसर सिर्फ और सिर्फ 13,000 रुपए। अच्छा ये बताओ जो चीज कहीं नहीं मिलेगी वो कहाँ मिलेगी? लैपटॉप नेशन में। ये देखो i3 लैपटॉप 8GB रैम 256GB SSD लेने होगी 14 इंच एकदम बुलबुल का बच्चा आपकी लैंग्वेज में बच्चा। प्राइसिंग सिर्फ और सिर्फ 13,500। क्या बात है, क्या बात। ऐसे ही ये लैपटॉप कंडीशन देखो अनटच सिर्फ 14,000 रुपए। ठीक है, एक और 14 इंच का i3 का 6th जनरेशन सिर्फ और सिर्फ 14,500 रुपए। 14,500 रुपए। क्या बात। डेल का i3 का 7th जनरेशन कंडीशन देखो अनटच अनटच। प्राइसिंग सिर्फ और सिर्फ आपको मैं दे दूंगा 14,000 रुपए में। 14,000 रुपए भाई। लैपटॉप ये क्या है, इसके पीछे नाम क्यों नहीं है कुछ भी? है ना भाई, ओहो छुपा। ये 2023 का मॉडल है, एकदम स्लिमेस्ट पीस लेनोवो का। लैपटॉप की प्राइस क्या हो सकती है बताओ? मैं बताऊं भाई? मैं बताऊंगा ना, मैं फिर आप उससे कम बता दोगे फिर मैं दिमाग खराब हो जाएगा। बताओ ना यार, सही बताऊं? एक्सपेक्ट करो, तुम ये खरीदने आ रहे हो, तुम इतनी ज्यादा वीडियो बनाते हो, कितने में? नहीं मैं आपके अकॉर्डिंग बताऊंगा, ये होगा 24,000। 12,000 रुपए। अजय भाई मैं बोल रहा था ना, मैं इसलिए बोल रहा था, मुझसे मत पूछो भाई। 12,000 रुपए प्रीमियम लुक लग रहा है यार पूरा। हां भाई, i3 का 6th जनरेशन सिर्फ और सिर्फ 13,000 रुपए। 13 की तो भाई साहब लड़िया लगा रखी है भाई ने। ऐसे मेरे पास कितने ही लैपटॉप पड़े हैं, मैं दिखाऊंगा और दिखाते दिखाते थक जाऊंगा, फिर सो जाऊंगा, फिर सुबह आऊंगा, फिर बेचूंगा, फिर दिखाऊंगा। देखो यार लैपटॉप के SKUs देखो तुम, थोड़ा अगर कैमरा दिखा सकते हो। सारे लैपटॉप एकदम बढ़िया बढ़िया कंडीशन में, नीचे आधे ज्यादा रखे हुए हैं। तो मैं अभी सब दिखाने जाऊंगा तो पूरी वीडियो हो जाएगी बड़ी लंबी, बहुत लंबी हो जाएगी यार। कैमरा दो, मैं दिखा देता हूँ लोगों को। ये देखो इतने सारे लैपटॉप पड़े हैं अंदर बकेट में हमारे, और भाई हर जगह लैपटॉप ही लैपटॉप पड़े हुए हैं, जिसको मुझे बेचना है और मैं ढूंढ ढूंढ करके बेच रहा हूँ कि भाई ये भी लैपटॉप पड़े, ये भी तो बेचो। और भाई कीबोर्ड माउस फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा, कीबोर्ड मिल रहा है, माउस मिल रहा है। अगर ये दोनों नहीं चाहिए तो इसके जगह पे आपको अल्ट्रा वॉचेस मिल जाएंगी। क्या बात है, ठीक है। और गिफ्ट की भी भरमार है भाई, गिफ्ट की दिखाओ। ये तो चेक मारो, ये चेक मारो, चेक मारो, सब कुछ भरमार। चेक इट आउट गाइस, कदम भीड़ लग जाएगी ना यहाँ पे, तो गिफ्ट कम नहीं पड़ेंगे भाई। गिफ्ट तो मैं इतने रखता हूँ ना कि लोग नाराज होकर के नहीं जाए, अगर किसी का छूट जाता है ना तो या तो इंस्टेंट उनके वो गिफ्ट का अमाउंट कम कर देता हूँ, या तो बोल देता हूँ भाई कभी भी आ जाना, हमेशा मिल जाएगा आपको। क्या बात। और लाइफ टाइम का सर्विस सपोर्ट है मेरे तरफ से, ये लो जी लाइफ टाइम का सर्विस सपोर्ट। बाकी 4,000 वाले लैपटॉप पड़े ही हैं, खत्म हो रहे हैं धीरे धीरे, जो बच्चे आ रहे हैं हमारे लेकर के जा रहे हैं। तो भाई आप सभी को लैपटॉप नेशन को इतना प्यार दिखाने के लिए बार फिर से बहुत बहुत शुक्रिया। आप सभी ने भगवान की दुआ से, अल्लाह की दुआ से हम लोगों का बिजनेस इस तरीके से रन कर रहा है कि हमें किसी तरह की सपोर्ट की जरूरत नहीं अभी किसी से भी। सपोर्ट चाहिए वो किस तौर पे, कि जिस तरीके से आप मुझे प्यार दिखा रहे हो इस तरीके से हमेशा दिखाते रहना, और मेरे तरफ से जो आपके लिए प्यार है वो हमेशा ऐसे ही बरकरार रहेगा। हमारा इन्फिनिटी गैजेट्स नाम से भी स्टोर है जहाँ पे हम गेमिंग पीसीज बिल्ड करते हैं, तो वहां पे भी जरूर आओ और अपना गेमिंग पीसी बिल्ड कराओ। जैसे यहाँ प्यार दिखा रहे हो वैसे वहां पे भी दिखाओ। आपको मेरे साइड से ऐसा एक भी नहीं होगा जिससे आप सेटिस्फाई नहीं रहो कि भाई नहीं सेटिस्फाई नहीं हूँ मैं, मेरे को अच्छी चीज मिलनी चाहिए थी खराब मिली। नहीं, एक कस्टमर मेरा ऐसे नहीं जाता है। और अगर किसी की कोई दिक्कत भी आती है तो हम उसको इंस्टेंट सॉल्यूशन देते हैं। ऐसा नहीं है कि मैं बोल दूं भगवान हूँ या अल्लाह हूँ कि नहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी लेकर के जाओ। अच्छी कंपनी की रेपुटेशन तब बनती है जब उसकी सर्विस पॉलिसी स्मूथ हो। बिल्कुल। बड़े बड़े HP हो गए, डेल हो गए, लेनोवो हो गए, वो लोग नए लैपटॉप बेचते हैं फिर भी उन्होंने अपने सर्विस सेंटर्स खोल करके रखे हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें पता है ये इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट है, कभी भी कोई दिक्कत आई तो झेलना ना पड़े क्लाइंट को। इसीलिए तो सर्विस स्मूथ रखता हूं मैं, बाकी अपने साइड से कोशिश करता हूं कि कोई भी क्लाइंट वापस ना आए और नाराज होकर के नहीं जाए। तो भाई थैंक यू सो मच आप सभी को इतना सपोर्ट दिखाने के लिए। बाकी कुछ तो भाई ने बताई दिया, मेरी बोलती बंद कर देते हैं सब जगह, मुझे बोलना पड़ता है यहाँ पे, मेरी बोलती बंद हो जाती है। तो मसला ये है कि जल्दी से वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। अगर आप नेहरू पैलेस आ रहे हो लैपटॉप लेने और आप लैपटॉप नेशन नहीं आ रहे तो नेहरू पैलेस क्यों आ रहे हो?